ओ मोटू पतलू आज मॉडर्न सिटी घूमने आए हैं। इनको देखते ही खोपड़ी की खोपड़ी घूम जाती है रे। आज इनको ऐसी टोपी पहनाऊंगा ना कि सात जन्म तक ऐसी टोपी पहन के घूमते रहेंगे, समझा क्या? वाह क्या बात कही खोपड़ी भाई, जाओ और उनको टोपी पहना ही दो। खोपड़ी की खोपड़ी तेजी से घूम रही है, आइडियाज पे आइडियाज आ रहे ले बाप। वाह मिल गया आइडिया भाई लोग, चलो भाई लोग मॉडर्न सिटी का आज लकी डे है रे। फुरफुरी नगर के स्टार वीवीआईपी मोटू पतलू झटका घसीटा राम यहाँ आए रे ले। मोटू पतलू जी गुड मॉर्निंग खोपड़ी का आप लोगों को। गुड मॉर्निंग खोपड़ी, क्या इरादा है, कैसे आए? मैं सब गलत छलत काम छोड़ के प्रॉपर्टी डीलर बन गया हूँ भाई। वो पिछली सड़क पे जो सबसे बड़ा टावर है ना, वो सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए है। आप लोग दिख गए तो सोचा आपको भी एक फ्लैट उसमें बेच दूं, वो भी 50% डिस्काउंट में। 50% डिस्काउंट कम लगा क्या? तो 75% 75% डिस्काउंट। अरे भाई आप जैसे वीवीआईपी लोगों के रहने से टावर का नाम हो जाएगा, फिर अपुन ना उसका रेट बढ़ा के बाकी लोगों से ज्यादा पैसे ले लेंगे। नहीं नहीं हमें नहीं खरीदना है फ्लैट। अरे पतलू भाई पहले सुन तो लो फ्लैट में क्या क्या है। 20 माले पे आपका फ्लैट होगा, टेरिस फ्लैट। फ्लैट के सामने गार्डन, गार्डन के सामने अखा समंदर होगा, एक साइड पे पहाड़, पहाड़ पे होगा झरना, झरने से नदी। भाई विंडो खोलते ही बादल फ्लैट में घुस आएंगे, क्या समझे? और फिर बादलों में तैरना। अरे मुटु कहाँ गया? अरे तुम कहाँ बादलों में जा रहे हो, नीचे आओ। आओ भाई लोग। क्या भाई यहाँ से पूरी सिटी नजर आ रही है ना, है ना नजारा झकास दिख रहा है। ठीक है भाई तो एक काम करते हैं, आप इस फ्लैट के सामने के नजारे का मजा लो, मैं तब तक बिल्डर को लेके आता हूँ। ये लगा फट्टा फटाफट, ठोक डाल, सील कर डाल। आज मोटू पतलू से अपना पुराना हिसाब किताब चुकता होगा। अरे खोपड़ी भाई ये क्या कर दिया आपने, तो उनको अपने ही फ्लैट में कैद कर दिया, अब वो बिना भाड़ा दिए मुफ्त में रहेंगे, मुफ्त में। बिना भाड़े के नहीं रे, बिना खाना पीना खाए इस बिल्डिंग में कोई नहीं रह सकता, वो चाहे कितना चीख ले चिल्ला ले। जॉन देखो मैं तुम्हारे लिए खास बेल्ट बना कर लाया हूँ। करने के बाद तुमको कोई टच भी नहीं कर सकता है, आयरन मैन की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। वो कैसे? वो देखो तुम्हारे ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा है, जब तुम रेड बटन दबाओगे तो एक लेजर बीम तुम पर आएगी, और जब तुम ग्रीन बटन दबाओगे तो वो बीम इनविजिबल हो जाएगी। जब तक ये ड्रोन तुम्हारे ऊपर उड़ता रहेगा, ये लेजर बीम का कवच तुम पे बना रहेगा और तुम्हें कोई भी चीज चोट नहीं पहुंचा सकती, लोहे की तरह मजबूत हो जाओगे। नंबर वन, जॉन को जोर से मारना। अरे ये क्या हो गया आपकी बॉडी को? कुछ नहीं हुआ है, तुम इसकी बॉडी से नहीं रेस से टकराए थे, अब तुम कुछ भी मारोगे, लोहा लंगड़ गोली तोप कुछ भी नहीं होगा। अब जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, लूट लूंगा सारी दुनिया, मुझे रोकेगा कौन? वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है? कविता सुनाना छोड़ दो, मेरा 1 करोड़ रुपया दो। अच्छा अच्छा पैसे चाहिए? फिर से मुझे धोखा दिया। आप लोग सारे के सारे गहने निकाल कर मुझे दो, मैं आपकी दुकान लूटने आया हूँ। मारी दुकान लूटने आए हो बिना हथियार के? भाया दिमाग तो ठीक है ना?
ये देख रहे हो ना हमारे मुस्तंडे गार्ड्स को, सारे को क्या लगता है ये दुकान लूटने देंगे? गार्ड्स जाओ इन्हें धो डालो। क्या तुम सब मने बेवकूफ समझ रहे हो? सारे के सारे एक्टिंग कर रहे हैं। इतने छोटे से आदमी को मारने पे इतनी चोट लगती है क्या? मैं बताता हूँ सर। आयरन मैन। अरे भैया तू तो आयरन मैन है, तन्ने जो चाहिए लेके जा, मने माफ कर दे। नंबर वन नंबर टू सब कहने ले लो। इस बार मोटू पतलू को फंसाने का ऐसा प्लान बनाया है, वो समझ नहीं पाएंगे कि किसने उनका फटका बैठा दिया है। अरे जाने बाबा जाने। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है? कविता को छोड़ो और प्लान की तैयारी करो। आपका मत कीजिए। ओके ओके ओके, मैं मेयर साहब से बात करूंगा। प्रिंसिपल सर जी, मैं आपका स्कूल बनवा दूंगा। झोपड़ी एसोसिएशन के चेयरमैन जी, मैं आपकी झोपड़ियां नहीं करवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया तो पूरे फुरपुरी नगर से चंदा इकट्ठा करूंगा और आप लोगों की दिक्कतें सॉल्व कर दूंगा। मोटू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाओ वाओ वाओ, जैसा सुना था वैसा पाया। आर यू मिस्टर पोटू? पोटू नहीं, मोटू। ओके मिस्टर मोटू, आई एम मिस्टर जॉनस्टर। मैंने सुना था कि आप ही अपराधियों को पकड़ता है, भोरपुरी नगर को बहुत मदद करता है, सोशल वर्क करता है। आज देख भी लिया। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू मिस्टर जॉनस्टर। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? दरअसल मैं इंटरनेशनल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूँ। हम हर साल बेस्ट सोशल वर्कर को इनाम देते हैं। इस साल आपका नाम चुना है। थैंक यू सर। मिस्टर मोजू, ये 1 करोड़ का चेक है, आप इसे कैश कराइए और चैरिटी का काम शुरू करिए। जय हो! प्रिंसिपल साहब, अब स्कूल की बिल्डिंग तोड़ दो, कल से नई बनवा दूंगा। झोपड़ी वाले भैया, झोपड़िया तोड़ डालो, कल से नई बनाएंगे। चाय वाले भैया, तोड़ दो, कल से नई बनेगी। Oh wow! Paisa milte hi charity shuru. I will give you another reward by the end of year. That will be 5 crore. Keep my visiting card. Kabhi zarurat ho to phone karna. होते कहाँ जा रहे हैं? बॉस बॉस, ये क्या परफ्यूम लेकर खड़े हो? जान बनेगा डॉन, जान बनेगा डॉन। मोटू का बदन अब तक मगाएगा, उसको संभालेगा कौन? वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है? कविता को छोड़ो, आगे आगे देखो होता है क्या। मोटू देखो, मैं एक नई परफ्यूम लाया हूँ, बहुत ही अच्छी स्मेल है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी परफ्यूम, जरूर कहीं से चोरी करके लाए होगे। चलो भागो यहाँ से, भागो। मोटू की हरकतों की उसको मिलेगी सजा। मोटू का बदन डगमगाएगा और जॉन को आएगा मजा। वाह बॉस वाह, क्या कविता बोली है। कविता के बच्चे,
मैं तो तुतला रहा हूँ, अब चुपचाप देखो। अब मोटू का बदन और जुबान दोनों कुछ देर के लिए डगमगाएंगे, ना तो वो ठीक से बोल पाएगा और ना ही चल पाएगा। अरे मुझे क्या हो रहा है? सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? मैं डगमगा क्यों रहा हूँ? मोटो ये हैंड ग्लव्स पकड़ो। मोटो ऐसे ही खड़े रहना, मैं अभी पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओए समझ गए ना बॉक्सर भैया? ऐसे ही। अरे मोटू, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? पता नहीं, जबान बड़ी डगमगा रही है। जबान डगमगा रही है? ओके कोई बात नहीं खैर, सीधे खड़े रहो, कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ओए मोटू क्या कर रहे हो? सीधे खड़े रहो। ओए बॉक्सर भैया, मैं तो सीधे खड़े ही नहीं रह पा रहा हूँ रे। सीधे खड़े रहो वरना पंच मारूंगा। पंच ही तो मार रहे हो, पर लग कहाँ रहा है? मोटू क्या हुआ? क्या हुआ पतलू? पूछो कि नहीं कि तुम्हारे दोस्त को क्या हुआ? वो ऊपर कैसे पहुंच गया? नहीं नहीं, अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।